मनुष्य का आदर्श भले ही वो बुरा समाज क्यों न हो, यही समाज के जीवन विवेक का रहस्य है। अपरिभाषित भय का निर्माण करना साम्राज्यवादी क्योंकि साजिश है, क्योंकि उनका अपना कोई चेहरा नहीं है और उस भय को वे भी भूख से भय से भी ज्यादा असरदार बनाए रखने की। जनाना जिस्म के आदमी के बयान से कथावाचक को पता चलता है कि यहाँ एक पागल खाना है। वे दोनों रास्ता पार कर फैशनेबल रास्ते पर आ गए हैं जिसके दोनों ओर यूकालिप्टस के पेड़ के कतार बंधे पड़े हैं। वह फैशनेबल रास्ता पागल खाने की ओर जाने वाला रास्ता था, फैशनेबल जो रास्ता था। और उस पागल खाने में कई लोग ऐसे डाल दिए गए हैं जो आज की निगाह में बड़े पागल हैं। जनाना आदमी ने वर्तमान समाज में एक कठिन सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा कि जो आदमी आत्मा की आवाज जरूरत से ज्यादा सुन सके हमेशा बेचैन कर रहा करता है और उस बेचैनी के भीतर के हुक्म का पालन करता है वो निहायत ही पागल है। पुराने जमाने में संत हो सकता था, आजकल उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। तो जनाना आदमी ने उसे क्लॉड इथल्ली को एक संत के रूप में प्रस्तुत किया है। क्लॉड इथल्ली जो कि एक रोमन कैथोलिक आदिवासी ईसाई है। अमेरिका के विमान चालक क्लॉड इथल्ली ने ही हिरोशिमा का एटम बम गिराया था। मलबे में जो बदल गया हिरोशिमा की हालत देखकर उसके मन में करुणा उमड़ आई है क्लॉड इथल्ली की। और उसको पता नहीं था कि उसके हाथ में जो हथियार था उससे इतना बड़ा अंजाम होगा। हिरोशिमा के निरपराध लोगों के सबों लोथों और कटे पिटे शरीरों को देखने पर उसके मन में पाप बहुत जागृत होता है। उसने अपना अपराध तो कबूल लिया लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे इनाम देकर वार हीरो घोषित किया। उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है वह वार हीरो की उपाधि देने के लिए देश हित में बदल गया। लेकिन क्लॉड इथल्ली पाप बोध के कारण दंड स्वीकार करके जेल जाना चाहता है और उसके लिए वो तरह तरह के वारदातें करते हैं, लेकिन वार हीरो के टाइटल से आभूषित क्लॉड इथल्ली को हर बार छोड़ दिया जाता है। क्लॉड इथल्ली की मन की जो गहराइयों में दबा दी जाने वाली आत्मा की आवाज सुनने वाले लोगों में है तथा सचेत जागरूक और संवेदनशील लोगों का प्रतिनिधि है क्लॉड इथल्ली। तो जो फैंटेसी नुमा जो कल्पना की मुक्ति बोध जी ने कहानी के माध्यम से कहानी को अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाने के लिए जो कल्पना का सहारा लिया, उन्होंने कथावाचक को उस अजनबी साथी के जनानेपन में कोई ईश्वरीय अर्थ दिखाई देता है। जनाना जिस्म का आदमी जो पैसे से सीआईडी है वो एक करोड़पति सेठ का नाजायज लड़का है। अगर हम देखेंगे कि इस कहानी में तीन ही प्रमुख पात्रों का चित्रण है, पागल खाने में पे जो कैद है पीली स्फटिक सी तेज आंखों वाला शख्स और लंबी सलवटों से भरा तंग मोतिया चेहरे वाला वो आदमी जिसे कथावाचक ने रोशनदान से देखा था और उसके चेहरे से भला आदमी मालूम होता था, निसंदेह वो क्लॉड इथल्ली ही था। वह अणु युद्ध के विरोध करने वाली आत्मा का प्रतीक है। बम गिरने से तहस महस हुए हिरोशिमा का पुनर्निर्माण करने वाले मेजर का वह हर माह चेक भेज दिया जाता है जिससे कि उन पैसों से वो दीनहीनों की सहायता तो पहुंचे ही। उसे भयानक पाप किया है वो क्या कम है उसने। जनाना जिस्म का आदमी जो कि पैसे से सीआईडी है, एक करोड़पति सेठ का नाजायज लड़का है जो कि अपनी माँ के कहने पर बेमुश्किल बहुत मुश्किल से मैट्रिक पास किया और पेट तथा प्रवृत्ति का समन्वय करने वाला समझौतावादी का प्रतीक है, फिर भी उसकी बातों से लगता है कि वो पहुंचा हुआ आदमी है। और कथावाचक को लगता है कि किसी फैंटेसी में रहा है वो, किसी कल्पना में रहा है, कोई गुप्तचर नहीं है, वो खुद पागल होगा या कोई पहुंचा हुआ आदमी है। लेकिन वह पागल भी नहीं, कोई पहुंचा हुआ आदमी भी नहीं, सिर्फ जनाना आदमी है। वैज्ञानिक शब्दावली में कहे तो जवान पट्टा लगता है और वह अज्ञात साइंस की गणितीय सूत्र की अंक राशि है जिसका मतलब तो कुछ जरूर होता है लेकिन समझ में नहीं आता है। तीसरा पात्र जो है कथावाचक जो कि सुशिक्षित सुसंस्कृत तथा ईमानदार आदमी है। पैसे से एक सचेत जागरूक
और संवेदनशील लेखक होने के नाते सामाजिक मूल्यों के प्रति हमेशा जागरूक रहता है। उसने शोषितों की ओर मुखातिब होने को अपना जीवन लक्ष्य स्वीकारा। झूठ नहीं बोलता है, ईमानदारी की जिंदगी जीता है, फिर भी बेईमान है। हिंदुस्तान को अमेरिका होना उसे स्वीकार नहीं, और वह उसकी समझ से बाहर है कि आदर्श पात्र के रूप में बनाया है। मध्यम वर्गीय पात्र को शोषक तथा भद्र वर्ग से जुड़े होकर भी अपनी भद्रता के निर्वाह के लिए किस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। मिडिल क्लास फैमिली में की जो दोहरी मानसिकता है, कहानीकार ने कथावाचक के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो क्लॉड इथल्ली पूंजीवादी व्यवस्था का एक औजार मात्र है। जिस व्यवस्था से वो जुड़ गया है उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो बाध्य है। साम्राज्यवादी व्यवस्था ने उसे वार हीरो बना दिया, लेकिन उस व्यवस्था के द्वारा दिया गया ही वार हीरो की उपाधि त्याग कर कर वह जेल जाना चाहता है। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने पर पश्चाताप के कारण जेल की सजा स्वीकार न चाहता है। वो वार हीरो की उपाधि से भी श्रेष्ठ मानता है जेल की सजा पाना। इतने बड़े टाइटल के अधिकारी को वारदातों के नाम पर कैद में डालना उसे टाइटल के खिलाफ किया जाने वाला अन्याय होगा, इसलिए हर बार वो छोड़ दिया जाता है। अंत में दुरुस्त ठीक करने के लिए पागलखाने में कैद कर रख दिया जाता है। भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बाजारू पूंजी की ओर संकेत है। बड़े से बड़े पेड़ के नीचे की पान की दुकान और दुकान में लगा हुआ आईना, धुंधली लहरें, पीछे से मसाले के दोष आदि दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष को सूचित करने में सक्षम है। तो इस तरह से जो कहानी रोचक बनाई है मुक्ति बोध जी ने, जो मुक्ति बोध की जो कोमल भाषा है और सरल सहज भाषा के माध्यम से कहीं ना कहीं कहानी का विषय एक उत्कृष्ट विषय था। उपनिवेशवादी संस्कृति के बारे में इन्होंने जो लिखा, इसके बाद हम जो है अब हमारे मूल पाठ की ओर चलते हैं। MSD 11 खंड 4 जिसमें हम आज फिर चार कहानियों के बारे में पढ़ेंगे। एक जीता जागता व्यक्ति, सुख, हरी बिंदी और बोलने वाली औरत। जीता जागता व्यक्ति रघुवर सहाय की कहानी है, सुख काशीनाथ सिंह जी की, हरी बिंदी की लेखिका है मृदुला गर्ग और बोलने वाली औरत की लेखिका है ममता कालिया। तो इन लेखकों के बारे में तो हम परिचित होंगे ही, तथा कहानी के बारे में हम जान सकेंगे। कहानी में लेखक का विचार क्या रहा है और कहानियों के विश्लेषण के बारे में हम जानेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास में बने हुए हो, अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कौन क्लास में बने हुए हो। रघुवीर सहाय की कहानी है एक जीता जागता व्यक्ति। नई कहानी आंदोलन के एक सशक्त कथाकार, वैसे तो कवि के रूप में इनकी पहचान होती है, परंतु उसी दौर में जब कहानियां लिखी थी और जो उनका विचार था नई कहानी आंदोलन में, एक तरह से वो सुमार हो गए। रघुवीर सहाय जो भी कहानी लिखते हैं उसमें उनका विचार, उनकी दृष्टि का आधार है कि सामाजिक संलग्नता, यानी समाज के लिए किस तरह से यथार्थ मूलक जीवन के बारे में मैं कहानी में बयां करूं, वह दिखाना वो चाहते हैं, क्योंकि यथार्थ मूलक जीवन संवेदना के कथाकार हैं रघुवीर सहाय। तो रघुवीर सहाय की ये कहानी, प्रमुख कहानियां तो और बहुत सारी है,
एक जीता जागता कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं, जो युग चेतना में अगस्त 1957 में प्रकाशित हुई थी, बाद में 1960 में सीढ़ियों पर धूप शीर्षक जब संकलन में इसे सम्मिलित किया गया। सीढ़ियों पर धूप इनका एक कहानी संकलन है, इसमें जीता जागता व्यक्ति संकलन किया गया। इस पुस्तक में कविता, लेख, टिप्पणियों के साथ साथ कहानियां भी संकलित थी, तो एक जीता जागता व्यक्ति भी उनमें से एक है। एक महत्वपूर्ण कहानी होगी, जब भी तो उसने कविता के साथ जो है कहानी को भी जोड़ा। तो हम पढ़ते हैं जीता जागता व्यक्ति जो कहानी में क्या दिया गया है, नई कहानी के तौर पर ये किस तरह से सफल होती है। बहुत ही छोटी कहानी है जीता जागता व्यक्ति, 2-2.5 पेज की शायद कहानी है। मैं शैली में लिखी गई स्टाइल जो है कहानी की, वो है मैं, और कहानी का वाचक अपने एक मित्र के साथ साइकिल से चला जा रहा। अचानक उसकी दृष्टि निर्माणाधीन सड़क के गीले कोलतार में फंसी हुई एक चिड़िया पर जाती है। पीली चोंच, पीले पंजे, काला सिर और कथई देह वाली पिड़कुड़िया या देसी मैना जैसी लगती थी। यह चिड़िया कोलतार से बाहर निकलने के लिए बेचैन है, लगातार कोशिश कर रही है, बदन को इधर उधर झटके दे रही है पर निकल नहीं सक रही है। वो ऐसे तार में फंस गई है, जाली में, कि वहां से निकल नहीं सक रही है। वहां कुछ कौवे भी इकट्ठा हो गए चिड़िया में, शायद उन्हें अपना शिकार दिख रहा था खाने के लिए। और कथावाचक ये दृश्य को देखकर वहां रुकता है, मैं जो होता है, और इसकी और अपने मित्र का ध्यान आकृष्ट करता है। शाम का समय होता है, सूरज डूबा जा रहा है, सड़क में बहुत भीड़ है, गाड़ी मोटर बहुत आ रही है, सब अपने अपने रास्ते चले जा रहे हैं, पर किसी को किसी की परवाह नहीं है, किसी को किसी से कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर चिड़िया के फंसे होने का जो एक दृश्य है, प्रसंग है, वह दोनों जानते हैं, फ्रेंड और लेखक, कथावाचक जो है। कथावाचक के मित्र को चिड़िया के मुक्ति प्रयत्न बिल्कुल मनुष्य जैसे लगते हैं। चिड़िया किस तरह से निकलना चाहती है वो फंसी हुई जाल में से, किंतु तत्काल उसका यह विचार एक दूसरे विचार में बदल दिया जाता है। वह सोचता है कि दया, सहानुभूति का भाव स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करती है, इस चिड़िया का अपमान है, दया नहीं किया जा सकता। वह उसे स्वयं के प्रयत्नों से मुक्त होने का सम्मानजनक अवसर जो है उपलब्ध कराना चाहता है। क्या वह उसकी इस जिज्ञासा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है कि किस तरह से वो संघर्ष कर रही है निकलने के लिए। उसे विश्वास है कि वो मुक्त हो जाएगी, क्योंकि वह न तो मिट्टी की बनी हुई है, न निर्जीव चिड़िया है, और न ही भूस की भरी हुई। कथावाचक उसे अपनी उसके प्रति अपनी संवेदना को लगातार प्रश्न और परीक्षण का विषय बना रहा है कि कैसे निकलेगी, जो विचार है। वह सोचता है कि आखिर उसके इस संघर्ष के प्रति उसके मन में कैसा भाव होगा, जो वह दया या सहानुभूति की अभिव्यक्ति के प्रति उसमें संकोच पैदा कर रहा है। कुछ देर बाद जब चिड़िया की वो तड़प, बेचैनी, उसका दुख कथावाचक से सहन नहीं हो पाता है, तो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। चिड़िया की आंखों में कथावाचक के प्रति अविश्वास का भाव था, पर वह डर कर छटपटाई और जैसे कहती सी प्रतीत हुई कि नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही छूट जाऊंगी, मैं खुद ही निकल जाऊंगी। तो चिड़िया ने अपनी सारी शक्ति एकत्र कर पंखों को खोलकर जोर जोर से फड़फड़ाते हुए इस बार जो कोशिश की, वह आजाद थी, वह बस्ती की ओर उठ चली। इधर कौवे जो है बदहवासों की तरह फुदकने लगे। यहीं पर जो है लेखक और लेखक के मित्र का संवाद समाप्त होता है, और मित्र जो विनोद में अक्सर टोकता रहता है कि कथावाचक हमेशा सड़क पर पड़ी हुई कोई किसी भी चीज को पा लेने के इरादे रखता है, वह यहां भी टिप्पणी करता है कि हम तो खुश हुए थे कि चलो तुम्हें कुछ मिल गया पड़ा हुआ। इस अर्थ गर्भित उत्तर के साथ जो कथावाचक का कहानी का अंत होता है, हाँ मिला तो था परंतु चिड़िया उसे अपने साथ लेकर
उड़ गई, यानी जो चिड़िया की जीने की जिज्ञासा है, चिड़िया का जो मुक्ति का संघर्ष है। और सच भी यही है कि आज जो है हर एक आदमी जो है किसी भी तरह से जीता जागता व्यक्ति अगर जिंदगी है तो उसे जीने के लिए कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। तो रघुवीर साय की जो कहानी है जीता जागता व्यक्ति में, किसी जो है सामाजिक या राजनीतिक यथार्थ के विषय में नहीं लिखी गई है, मनुष्य के वर्तमान और भविष्य के साथ गहराई से संबंध है। आज इसी तरह हम उलझे हुए हैं और वो उलझे हुए से हमें खुद को ही निकलना है, हमें किसी की सहायता नहीं लेनी। हमारे जीवन की विरोधी परिस्थितियां हैं आज, पर हमें वो संघर्ष करना है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए, समानता हमें जो है वहां पर अधिकार पाने की जिज्ञासा खुद रखनी होगी, हमें खुद लड़ना होगा। तो नई कहानी में जो के बाद जो परवर्ती कहानी परंपराओं का जो एक नया युग था, उसमें यही सारी नई विचारधाराएं आई। रघुवीर साय जीता जागता आदमी कहानी में जीवन मूल्य में परिवर्तन के उस दौर में कुछ नए मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। चिड़िया जो है, चिड़िया के प्रतीक में इस कहानी जीता जागता व्यक्ति संघर्ष के रास्ते से होकर अपने को स्वाधीन कराता है। और जीता जागता कहानी में जो घटना दिखाई गई है वो अपने स्वरूप में कोई असाधारण नहीं है, ऐसे दृश्य तुम्हें कहीं पर भी देख दिख सकते हैं। ये किसी कहानी का विषय भी नहीं लगता, किंतु साधारण से दृश्य पर एक जो रचना बन गई और कहानी ने उसे, कहानीकार ने उसे कहां तक ले गया, मनुष्य की जिंदगी के साथ जो उसे दिखाने की कथा शिल्प में चेष्टा की, वो एक बहुत ही संरचना की दृष्टि से बहुत ही सफल कहानी उपलब्धि हुई है। चिड़िया के मुक्ति प्रयत्नों से जो परिवेश रचना करते हैं वो उड़कर कहां भागी, अपने घर की, जहां उसे सुख था। तो इस तरह से हम जो है एक जीता जागता व्यक्ति कहानी में देख सकते हैं। इसके बाद अगली कहानी है काशीनाथ सिंह की कहानी सुख कहानी। काशीनाथ सिंह की पहली कहानी जो है संकट, वो कृति पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुई थी और ये उस समय नई कहानी आंदोलन का दौर था। और जिस समय नई कहानी कहा गया जिस समय को, वो यही समय था 1954 से 1963 तक का समय। और इस समय और अनेक कहानीकार थे, ज्ञान रंजन, प्रबोध कुमार, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, विजय चौहान, काशीनाथ सिंह, ये एक नई नई पीढ़ी के उभरते कहानीकार थे। और 1960 के बाद कुछ सिचुएशन भी बदल रही थी, स्थिति परिस्थिति बदल रही थी देश की। तो काशीनाथ सिंह का जन्म जो है बनारस जिले के जैनपुर गांव में 1 जनवरी 1937 को हुआ था। पिता प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और खेतीबाड़ी भी होती थी घर में, बचपन गांव से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। ये तो उनके जीवन के संबंध में है। आरंभिक शिक्षा जो है गांव के पास हुई, फिर बाद में BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, फिर उन्होंने हायर क्लास के लिए पढ़ाई की, वहीं से BA MA PhD की। हिंदी विभाग में फिर प्राध्यापक भी हुए काशीनाथ सिंह BHU में। इनकी पहली कहानी जो थी कृति पत्रिका में संकट जो कहानी थी वो प्रकाशित हुई। फिर काशीनाथ सिंह ने तो फिर क्या था, बहुत सारी कहानी लिखी, बहुत सारी कहानी, लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये सब अधिक कहानियां लिखी। यानी 60 कहानी 1960 के बाद जो लिखी गई कहानी, 60 कहानी जो विभिन्न आंदोलनों के लिए जानी जाती, यहाँ पर कहानी आंदोलन बहुत तरह से चले, जैसे अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समांतर कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, समकालीन कहानी, जैसे हमें नाम सुनाई पड़ते हैं। कहानी के प्रमुख प्रवक्ता थे गंगा प्रसाद बिमल। हालांकि कहानी के आंदोलन न मानकर एक दृष्टि मानते हैं और सचेतन कहानी की अवधारणा महिप सिंह ने प्रस्तुत की थी।
और सहज कहानी अमृत राय ने शुरू की थी। ये कहानी की जो आंदोलन है, सक्रिय कहानी आंदोलन राकेश वत्स को जाता है। तो जो हमारे काशीनाथ सिंह जो थे वो जनवादी कहानी के प्रतिनिधि लेखक थे। उनकी कहानियां जो थी जनवादी कहानी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जो उसके विकास की जमीन तैयार करती रही। असल में जनवादी कहानी के सूत्र जो है नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील कहानीकार से जुड़ते हैं। तो जनवादी लेखक संघ जब स्थापना हुई 1982 में, तो उससे पहले ही लिख दिया था काशीनाथ सिंह ने तो बहुत सारी कहानी, पर वो अकहानी से एकदम मुक्त थी। तो सुख जो काशीनाथ जी की महत्वपूर्ण कहानी है, मार्क्सवादी आलोचक नामवर सिंह कहते हैं कि कहानी नई कहानी में नई संवेदना, नए नामों की चर्चा जब हम अंतिम पृष्ठ पर करते हैं तो कुछ गिनी चुनी कहानियों में सुख का नाम लेते हैं। सुख जो काशीनाथ सिंह जी की कहानी, काशीनाथ सिंह भी मानते हैं कि ये मेरी कहानी नहीं, मेरे दौर के अलग मिजाज की शुरुआत थी। सुख कहानी का आरंभ एकदम सीधा है। भोला बाबू को नौकरी से वापस आए हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक घटना हो गई। यही घटना उससे जुड़े संदर्भ सुख का विस्तार करते हैं, केंद्रीय कथानक बनते हैं। घटना ये हुई कि वे कमरे में पड़े अखबार पढ़ रहे थे, एक शाम खिड़की से कोई किरण आई और उनके गंजे सिर पर पड़ रही थी, जैसे वह किसी नन्हे बच्चे को हथेली हो, गरम और गद्देदार। भोला बाबू लेट से बैठ गए, देखा सूरज पहाड़ी के पीछे कहीं चला गया और वो किरण उसके सिर पर जो ही त्यों रखी हुई है। वे उठे, उन्होंने सामने की दीवार पर हाथ रखा। कुछ क्षण पहले ललाई यहां भी ठहरी थी, हथेली जरा गर्म लगी। वे तेज कदमों से आगे बढ़े और चार दीवारी तक गए, फिर रुक गए। यहां से सूरज दिख रहा था, पहाड़ियों के कुछ ऊपर, बादलों के कहीं आसपास, ताड़ और बबूल के बीच में। उन्होंने स्वयं निगाह डाली, मार्किन का सफेद कुर्ता गुलाबी हो उठा। वे मुस्कुराए, देखो दुनिया क्या चीज होती, कितनी अच्छी चीज है। तो भोला बाबू को प्रकृति का ये रूप जो है देखना, सूर्य का जो है वहां पर पेड़ों के पास दिखना या बादलों के आसपास दिखना, जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य की किरण का, वो कितना अच्छा लगा। सूर्यास्त का वो दृश्य दिखाने के लिए अपनी पत्नी को बुलाते हैं, किंतु पत्नी तो चूल्हे चौके में इतनी व्यस्त थी, इतनी बिजी थी, उसके तो अंदर का सौंदर्य बोध ही मर चुका, उसे सूरज नहीं दिखता, बल्कि सड़कों पर ईंटों से लदे खच्चरों की पांच और उनके पीछे चलते आदमी दिखते हैं। तो भोला बाबू जब उन्हें ताड़ों के बीच में धुंधली धुंधली पहाड़ियां, लाल लाल सूरज और गोलाई पर पतले भूरे बादल को दिखाते हैं और कहते कि देखो उसे चित्र देखो, तो ये रुखाई सी कहती क्या देखना है उसे, आप आज देखते हैं, मैं जिंदगी भर से देख रही हूं। तो भोला बाबू ने इस विशेष घटना का ऐसा सरलीकरण पसंद नहीं आया। वे देखते रहे कि सूरज, बादल, बादलों पर उभरने वाले जो रंग, रंगों पर खींचती धारिया, पहाड़ियों के सामने वाले हिस्सों का धुंधलापन, धुंधलेपन से बिल्कुल ऊपर चोटी का लाल कुहासे का क्षीण होना। उन्होंने सोचा ये सूरज अब तक कहाँ था, कहाँ था ये सूरज अब तक, ये शाम आखिर किधर थी, आज भी क्या देख रहे हैं। आज वो सूर्यास्त का दृश्य देखकर भोला बाबू अभिभूत हो गए। प्रकृति के इस चितेरे ने इस दृश्य को कैद कर लेना चाहा, अपनी आंखों में चाहा कि इस पल का साक्षी वे सबको बना दे। शायद इसलिए उन्होंने छोटे बच्चे नीलू से सबको बुलाकर लाने को कहा, किंतु सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, कोई नहीं आया। वे सूरज को देखते रहे, खुश होकर तालियां बजाई, सड़क से गुजर रहे ऊंट वालों से इधर उधर देखने को कहा, किंतु ऊंट वाले भी उधर देखता हुआ आगे बढ़ गया। सूरज डूब गया और वे वहां से हटाए, उनका मन उदास होने लगा।
लेकिन भोला बाबू इस खुशी को बांटना चाहते थे। प्रकृति का ये मनोरम दृश्य के माध्यम से वे उस खूबसूरत श्याम की जो प्रकृति दिखाना चाहते थे, वे ठहरने वाले नहीं थे। वो ऐसी बात नहीं जो यूं ही छोड़ दी जाए, उन्होंने विचारा। वे आज ही चलेंगे और कहेंगे, सबसे कहेंगे, लेकिन सबसे पहले माधव के यहां चलेंगे। माधव मुक्तार है, जो सब कुछ समझता है, बूझता है, फिर उसे लेकर कहीं और। भोला बाबू ने धोती पहनी, छड़ी ली और चल पड़े। रास्ते में उन्हें बीज गोदाम पर जिलेदार साहब मिले, जिनके साथ कुछ और लोग भी थे। उन लोगों के साथ ही बैठ गए। वहां नहर की मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाने की बात चल रही थी। सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। भोला बाबू को मौका मिल गया तो उन्होंने शाम को ही जाल लगाने का तर्क दिया, और शाम भी कब, जब सूरज डूब रहा हो। लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उनकी बात काटते हुए एक आदमी ने तर्क दिया, करे अरे शाम वाम में कुछ नहीं होता, मछलियों के चढ़ने का समय तो आधी रात है, भिन्न अनुसार है। भोला बाबू को चुप होना पड़ा, बात हाथ में आकर फिसल गई, थोड़ा दुख होता है। लेकिन भोला बाबू ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा जिलेदार साहब अकेले में हो तो उन्हें शाम की वाली बात बताऊं। जब वहां से कोई नहीं टला और देर होने लगी तो भोला बाबू ने जिलेदार साहब को अकेले में बुलाकर अपनी बात बतानी चाहिए। शाम के सूरज की जो खूबसूरती बयान करने पर जिलेदार साहब को कुछ नया नहीं लगा। उन्होंने कहा, ये कोई बात नहीं, ऐसा रोज हो रहा है। तू आज देखा, मौसम ही इस तरह का है। उनकी इस बात पर भोला बाबू विस्मित रह गए। हद तो तब हो गई जब गैर महत्वपूर्ण बात मानते हुए जिलेदार साहब ने पूछ लिया, क्या बात है? वो कहिए, भोला बाबू का उत्साह ठंडा पड़ गया और वे ये कहते हुए कि अब आपको क्या बताए साहब, सीधे बाजार निकल गए। भोला बाबू तो दुखी थे। उन्हें लगा कि वे जिलेदार के यहाँ बरबस चले आए। जिलेदार को लोग बेवजह बुद्धिमान कहते हैं। आज उनकी पोल खुल गई। फिर उन्हें लगा कि ये बात ऐसी नहीं जिन्हें सब समझ लें, परंतु इस विचार से उन्हें पीड़ा होने लगी। भोला बाबू इसी पीड़ा के लिए माधव वाली गली में मुड़ने को हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने माधव को पुकारा, किंतु माधव दोपहर से ही घर से बाहर था। वहां उनकी मुलाकात सोहन से हुई। सोहन जो है मुख्तार साहब की गाय भैंस का देखभाल करता था। मुख्तार साहब दोपहर से बाहर थे और उन्होंने तो सूरज देखा नहीं होगा। हाँ, सोहन से ने जरूर देखा होगा। यही सोचकर उन्होंने सोहन से पूछा, आज तूने सूरज देखा था रे? सोहन को बात समझ में नहीं। उन्होंने कहा, कौन सूरज? सूरज तेली क्या? नहीं कोलू बेकू। भोला बाबू खींच उठे, ऐसे कैसे बोलते हो? उसके बाद की तो हद हो गई। भोला बाबू ने कहा, मैं आसमान के सूरज की बात कर रहा हूं। हाँ बाबू, देखा है देखा है, सोहन ने उत्तर दिया। भोला बाबू उत्साहित हुए, कुछ खास लगा क्या रे तुझे आज के सूरज में? मतलब, सोहन बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गोल गोल, कुछ लाल लाल। भोला बाबू ने सोहन की सहायता की, लेकिन सोहन समझ नहीं सका। उसने कहा, तो तेरा सिर और भैंस पालो। भोला बाबू ने क्रोध में कहा, और भैंस पालो। उनकी रही सही आशा में भी खत्म हो गई, यानी कोई भी नहीं समझ रहा है उस फीलिंग्स को। भोला बाबू घर लौट आए, उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था। परेशान थे कि आखिर लोग क्या होते जा रहे हैं। घर में बिस्तर पर पड़े हुए उन्होंने सोचा, हाय दुनिया कितनी बदल गई। ढलती शाम का वो खुशगवार पल उन्हें भूल नहीं रहा था। उन्होंने सोचा, कल शाम को सबको बुलाएंगे और सबको समझाएंगे कि देखो, दुनिया में चूल्हा, योजना, कचहरी, ऊंट और दूध ही सब कुछ नहीं है, सूरज भी है। लेकिन ऐसा सोचते हुए भी उन्हें कितना दुख हुआ, कितने लोग हैं जो कल भी इसे समझ सकेंगे। भोला बाबू के अंदर का उत्साह मरने लगा, वे उदास और खिन्न हो गए। पत्नी खाना लेकर आई तो खाने से मना कर दिया। भोला बाबू निष्प्रिय हो चुके थे, यानी निष्क्रिय पूरी तरह से, और किसी भी प्रकार का किसी से लगाव नहीं। उन्होंने अपने को असंग और एकाकी महसूस किया। पत्नी ने कहा, देखो, कहने को ये बीबी है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये मकान है, ये जायदाद है, ये दोस्त है, ये नातेदार है, लेकिन सच पूछो तो कोई किसी का नहीं। तो पत्नी की आंखों में आंसू हो गए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जी? जब मेरा कोई दुख समझ नहीं सकता तो कैसी बीबी और कैसा बेटा? मेरा कोई नहीं है।
भोला बाबू का स्वर भी भर रहा है, पत्नी रोने लगी तो साथ में खड़े बच्चे भी सिसकने लगे। भोला बाबू बोले, इसमें रोने की क्या जरूरत है, तुम सब आओ, तुम सब जाओ, खाओ पियो, बस मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन पत्नी का मन भयभीत होने लगा कि भोला बाबू ये कैसी बातें कर रहे हैं। वे जोर जोर से रो पड़ी, बच्चे भी जोर जोर से रोने लगे और भोला बाबू कोहने के सहारे उठ बैठे और पत्नी को झकझोर कर पूछा, बिट्टी की माँ आखिर क्यों, ये सब क्यों? बिट्टी की माँ और जोर से रोने लगे। भोला बाबू देखते रहे और सहसा फूट कर रोने लगे। रोने वालों में सबसे ऊंचा और दुखी स्वर भोला बाबू का था। तो कहानी में जो दिखाया गया है प्रकृति और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता है, वो जो दृष्टिकोण अगर देखोगे तो कहानी में प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते के बारे में दिखाती, कहानी ये दिखाती है कि रिश्ते कैसे खत्म हो रहे हैं। दरअसल उस दौर के विघटन का दौर था। दूधनाथ सिंह ने जब कहानी लिखी, ज्ञान रंजन की कहानी भी हम कल पढ़ रहे थे, उसी तरह ज्ञान रंजन की भी पिता कहानी है, यानी जरूरत के लिए सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। भोला बाबू दिन भर शाम तक घूमते रहा पर कोई उसकी बात नहीं सुनते। तो ये पीढ़ी का द्वंद है। भोला बाबू ने जो चीज समझा वो शायद दूसरी पीढ़ी नहीं समझ रही है। तो काशीनाथ सिंह ने बहुत ही सुंदर ढंग से कहानी में दिखाया। काशीनाथ सिंह की जो कहानी थी उसमें हम देखते हैं कि भोला बाबू के माध्यम से प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते को दिखाया है। और इस कहानी में इस तरह की कल्पना पत्रिका में और एक कहानी छपी थी, चेखव की कहानी जो है ग्रिफ, ग्रिफ का प्रभाव है इसमें। काशीनाथ सिंह इसे उस दौरे से अलग मिजाज की शुरुआत की कहानी मानते हैं, जिस तरह से संबंधों में विघटन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, संवेदना दूर हो रही है, सुख में देखा जा सकता है इस कहानी में। सूर्यास्त के दृश्य का जो कवि की तरह वर्णन करते हुए लगता है कि कोई कहानीकार कहानी नहीं बल्कि कविता लिख रहा है। इसी तरह लेखिका मृदुला गर्ग की कहानी है हरी बिंदी। हरी बिंदी कहानी स्त्री स्वतंत्रता के विषय में बताती एक महत्वपूर्ण कहानी है, स्त्री के संदर्भ में लिखी गई कहानी। मृदुला गर्ग एक विशिष्ट कथाकार है। महिला होने के कारण महिला जीवन की विडंबना को भी बखूबी रूप से अपनी कहानियों का विषय बनाती हैं। 25 अक्टूबर 1938 को कलकत्ता में जन्मी मृदुला जी इकोनॉमिक्स में एमए करती हैं और इनके प्रमुख उपन्यास भी कई प्रकाशित हो चुके हैं, चितकोबरा, कठगुलाब, उसके हिस्से की धूप। और इनकी प्रमुख कहानी मेरे देश की मिट्टी, आहा, जादू का कालीन, हरी बिंदी जो हम पढ़ेंगे। हरी बिंदी कहानी एक नारी की कहानी है जिसके केंद्र में एक नारी है। कहानी का केंद्रीय पात्र उस दिन अपने पति के शहर से बाहर जाने के बाद घर पर अकेली है। इस अकेली होने को वह एक प्रकार से लेती है और अपने को अपनी तरह से ही जी लूं ऐसे सोचती हूं कि आज तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सामान्य सी छोटी सी बात है, घर पर कोई नहीं है, अकेली है। उस स्त्री को ख्याल आता है कि उसका पति राजन दिल्ली गया हुआ है, आज सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। यानी इस तरह से सुबह तक लेट तक सोए रहना, यानी मैं जो रोज बंदी बंधाई एक नित्य कर्म डेली जो एक बंदी बंधाई मेरी डेली का काम था उससे मैं मुक्त होना चाहती हूं।
स्त्री जीवन की जो दिनचर्याएं थी, बंदी बंदाई, ये दिनचर्याएं, वो दिनचर्या उसके अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुविधा के लिए वो जल्दी उठती है, दूसरों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी। कहानी में जो पात्रा है स्त्री, वो कलाई में घड़ी बांधकर सोती है, ये उसकी आदत है, जबकि पति को घड़ी की आवाज अच्छी नहीं लगती इसलिए खोलने को कहते हैं, पर आज वो बांधकर सोई। कहानी की नायिका सुबह उठती है, चाय बनाकर खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर की ओर देखती है तो उसे धुंध दिखाई देती है, उसे अच्छी लगती है क्योंकि धुंध में सब कुछ कुछ भी नहीं दिखता है। सूर्य के प्रकाश में घुटन लगता है। यह सोचना यह है कि जीवन को अपने ढंग से जी लेने में जो सुख है वो दूसरे के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के जीने में नहीं है। स्त्री जब पैदा होती है तभी से उसके लिए तय कर दिया जाता है उसका जीना, उठना, बैठना, बोलना, चलना किस प्रकार से होगा, एक टूर पैकेज की यात्री की तरह स्त्री अपना जीवन जीती है। कहा तो जाता है कि आज के समाज में स्त्री सुरक्षित है, परंतु स्त्री घुटन भी अनुभव करती है। चाय पीकर गई, नहाने जो गई थी नायिका, वो पहले ये सोचती है गर्म पानी से देर तक नहाएगी, परंतु अचानक ठंडे पानी की फुहार ऊपर छोड़ती जल्दी जल्दी नहा लेती है। गर्म पानी और शरीर जहां तक कंडीशनिंग में जुड़ते हैं वहां शरीर में तापमान में भिन्न ठंडा सा वह कंडीशनिंग की स्थिति को तोड़ता है। नहा धोकर नायिका स्फूर्ति तो अनुभव करती है, ड्रेस पहनती है और हरी बिंदी लगाती है, नीले रंग का चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं। वो सोचती है कि उसका पति राजन होता तो कहता कि नीले पर हरे का क्या तुक, नीला ड्रेस और हरी बिंदी। यहीं पर सोचती कि आखिर तुक क्या तुक। कहानी सूचित करती है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था यहां तो निर्धारित करती है कि स्त्री को अपना जीवन किस रीति से जीना चाहिए, साथ ही साथ स्त्री के प्रति पुरुष का जो स्त्री के प्रति स्त्री का सोचने का तरीका क्या हो, यह भी इसी व्यवस्था द्वारा तय कर दिया जाता है। पति की ख्वाहिश के चॉइस के अनुसार पत्नी श्रृंगार करती है। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार सौंदर्य के प्रतिमान स्त्री के अपने न होकर दूसरे के द्वारा निर्मित है। तो कहानी में जो स्त्री की विभिन्न बातें, चाहे वो बाजार जाती हो, चाहे नौकर से कहती हो, यानी उसका जो स्वच्छंदता पूर्ण विचार है वो देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि स्त्री कहानी में जो बताया गया, मेज की दराज से युवती उन बालों को निकालकर कानों में लटका देती है जो शादी के बाद इसलिए पहनने छोड़ दिए थे क्योंकि वो सोने के नहीं है, कान के बाले। आभूषणों के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका प्रयोग स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करती है, परंतु शादी के बाद स्त्री किस प्रकार आभूषणों को धारण करेगी, ये पति की यह आर्थिक अवस्था सामाजिक हैसियत के आधार पर तय किया जाता है। आभूषण निखारने की अपेक्षा समाज में पति की हैसियत को व्यक्त करने के लिए पहनती है नारी, कि मेरा पति ज्यादा पैसे वाला है, मेरे पास ज्यादा गोल्ड है। बाहर निकलते हुए जब नायिका नौकर से कहती है कि जो तुझे अच्छा लगे वो बना लेना, जो खाए चाहे छुट्टी मनाओ, नौकर को ये दी गई स्वतंत्रता का प्रतिफलन है जिसे आज स्त्री अनुभव कर रही है, एक दिन जो स्वतंत्र जीवन के प्रतीक के रूप में आता है। खुद जियो और औरों को भी जीने दो, जो कहती है वो नौकर से, ये भावना यह है कि स्वतंत्रता के सुसंस्कृत रूप से अनिवार्य घटक के रूप में आता है।
कहानी में नायिका की एक हरकत खिलवाड़ सी भी लग सकती है कि पहले टैक्सी को आवाज देकर उसपे बैठती है और बाद में सोचती है कहाँ जाना है उसे पता नहीं, क्योंकि रोज तो चार दीवारी के अंदर बंदी रहती है ना, कब मैं जाऊं निकलूं ऐसे सोचती है। परंतु यहाँ स्वतंत्रता की व्याख्या कहानीकार ने अपनी कहानी में खिलंदड़ शिल्प में इस प्रकार करती है कि स्त्री की स्वतंत्रता का हनन वे ताकतों तो करती है, उसके लिए रास्ते और मंजिलें तय उसे उस पर चलने को कहती है। जब कहानी में टैक्सी में बैठने के बाद ये सोचती है कि उसे कहाँ जाना है, उसके जीवन के फलक पर पहले उतरना है, उतरने के बाद ये तय करना है कि मेरी दिशा कौन सी है। चाहे पहले से कुछ सोचो या बाद में सोचो, स्त्री ने जो कदम उठाया है वो उसका अपना है। स्त्री में बैठी टैक्सी में बैठी स्त्री ने सोचा कि पहले जहांगीर आर्ट गैलरी जाऊं, यानी सर्वप्रथम स्त्री का अनायास कला की ओर खींच गया है ध्यान, कला का आस्वादन करेगी। नायिका सर पीछे से बहुत शोर आ रहा है। पीछे से शोर आ रहा है। दूसरी क्लास चल रही है तो दूसरी क्लास के बच्चे शायद साउंड। ठीक है, अब आ रही है क्लियर? अब डिस्टर्ब नहीं हो रहा। ठीक, जब रेस्टोरेंट में जाती है नायिका तो उसे याद आता है कि उसे बहुत जोर से भूख लगी है। आमतौर पर नारी का जीवन जो है रसोई के खाने से जुड़ा हुआ रहता है, वो रेस्टोरेंट में नहीं। परंतु ये जुड़ना अधिकतर दूसरों की भूख और स्वाद को ध्यान में रखते हुए होता है, और रसोई से भी क्यों जुड़ी हुई रहती है पता है ना, वो अपने लिए नहीं परिवार वालों के लिए खाना बना रही है। भोजन की रुचि की धारणा भी वो अपने लिए नहीं फैमिली के लिए देखती है। रेस्टोरेंट में जाकर युवती ऑर्डर देती है एक प्लेट गर्मा गर्म टिकिया और एक आइसक्रीम। परंतु जो यहां पर दिखाई गई कि ठंडी ठंडी आइसक्रीम जब ऑर्डर देती है, देने पर बेरे का चौंकना यही सूचना है कि चमक जाता है बेरा, प्रश्न करता है एक साथ दो टिक्की और आइसक्रीम दोनों एक साथ दो। बेरे का प्रश्न यानी जो वेटर का प्रश्न भी पुरुष मानसिकता और रूढ़ी के खिलाफ उठने वाले सवाल के रूप में है। हाँ, कोई एतराज है क्या? कहानी में स्वाद की भाषा स्वतः ही यहाँ विषय स्पष्ट करती जान पड़ती है कि सवाल के अनुमान के माध्यम से ठंडे और गर्म को एक साथ न खाने का संकल्पना पर प्रहार किया गया है, और इसी अनुमान के माध्यम से ये सवाल तमाम रूढ़ियों पर चोट करता है। तो स्त्री की जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है वो किसी भी तरह से, जो आज वह रेस्टोरेंट का मजा लेना चाहती है उसे पता नहीं, इसके बाद स्त्री का गमन दृश्य की ओर है, देखना चाहता है। रेस्टोरेंट के बाहर निकलकर युवती सोचती कि फिल्म देख कर आऊं जो उसकी अपनी पसंद है की हो, पति द्वारा चुनी हुई नहीं। और संकेत यहाँ इस बात का है कि खाने की ही भांति स्त्री का देखना भी यथार्थ, स्त्री क्या देखे, कितना देखे, कैसे देखे, ये निर्धारण पुरुष की अभिरुचि और उसके स्तर के आधार पर ही तय की जाती है। यहाँ कहानी की नायिका अपने द्वारा देखे जाने का दृश्य पट स्वयं तय करती है। इस प्रकार वो दृश्य हेतु बनाए गए सांचे को भी तोड़ रही है, क्योंकि सिनेमा घर टॉकीज एक सार्वजनिक स्थल है, वहां पर शिष्ट व्यवहार के नाम पर कुछ शर्तें भी है, कुछ शर्तें लिखित नहीं है तो अलिखित रूप से भी है जो दोनों के लिए अलग अलग रूप से है। यानी सिनेमा घर में कुछ ऐसे दृश्य आया जिस पर मजाकिया रूप से हंस दिया जाए और नायिका अपनी हंसी की उन्मुक्तता को बंधन के बांधे बगैर जो है सिनेमा में पूरा आनंद लेती है और जोर जोर से हंसती है। और इसी प्रकार मर्द के हाथ से हाथ टकरा जाने पर सॉरी कहना भी जो है सभ्य व्यवहार के नाम पर संवेदना शून्य एक यांत्रिक प्रक्रिया है। यहाँ भी हंसते हुए स्त्री का हाथ जब एक पुरुष से टकरा जाते तो सॉरी कहने के लिए मूर्ति है, फिर जैसे ही नीला चूड़ीदार पैजामा पहनने के बाद उसका हाथ पहले नीली बिंदी की तरफ जाता है, परंतु यहाँ भी वह खोखले शिष्टाचार के तिलिस्मी के बाहर आना चाहती है, अतः सॉरी कहने के बजाय वो हंस पड़ती है। पिक्चर देखने के बाद जो सिनेमा हॉल में मिला पुरुष के साथ युवती कॉफी पीती है, वह स्वयं कॉफी के पैसे भी देती है,
और आश्वस्त होती कि पुरुष होने के नाते उसके साथी ने पैसे देने की जिद नहीं की। अनंतर बादलों में घिरे आकाश और समुद्र को साथ बैठाकर करती है। तो पुरुष की मानसिकता और महिला की मानसिकता के बारे में यहाँ पर दिखाया गया कि मृदुला गर्ग ने जो कहानी बताई कि जो दृष्टि परिवर्तन है कहानी में, हम देखते हैं कि कहानी में स्त्री के लिए जो है समाज में किस तरह से दोहरा मानदंड है, एक अपना है और एक जो है सबके लिए है। उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ होती है, दरअसल प्रकृति ही नहीं कृत्रिम और समाज द्वारा आरोपित है। कुछ समाज ने ऐसी व्यवस्था बना दी जिसमें महिलाएं जो है बंद कर रह गई। ये कहानी जो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के माध्यम से, चाहे वो होटल हो या फिर टैक्सी में बैठकर कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और या फिर रेस्टोरेंट में खाना खाना हो, ये प्रतीक हैं जिसके माध्यम से नारी स्वतंत्रता की अस्मिता पर बताया गया है। तो हरी बिंदी कहानी के बाद हम बोलने वाली औरत जो है ममता कालिया की कहानी के बारे में हम पढ़ते हैं। ममता कालिया भी इसी तरह महिला कथाकारों में सर्वश्रेष्ठ कहानीकार है। नारी संबंधी दृष्टिकोण इनका भी, सातवें दशक की जो कहानी लिखती हैं, साठोत्तरी कहानी के बाद जो है इनका 1967 में इनका पहला कहानी संग्रह छुटकारा कहानी जो प्रकाशित हुई, वहीं से ही ममता कालिया ने हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश किया। और साठोत्तरी कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारी महिला कथाकार ममता कालिया ने, क्योंकि नारी जीवन की पीड़ा व्यथा को ये अपनी कहानियों में जगह देती हैं। सचेतन कहानी की पुरोधा है एक तरह से ममता कालिया जी। और नारी मन की जो विभिन्न विडंबना है, चाहे वो मन्नु भंडार की कहानियां में हो या उषा प्रेमदा की या फिर मृदुला गर्ग की कहानियां में हो, तो इनका जो एक ग्रुप बन गया था महिला कथाकारों का, मंजुल भगत, मृदुला गर्ग, दीप्ति खंडेलवाल, राजी सेठ, प्रतिमा वर्मा, नमिता सिंह, सुधा अरोड़ा, ममता कालिया भी उसमें से एक फेमस कहानीकार थी। ममता कालिया की जो कहानी थी वो दो टाइप्स की थी, एक तो स्त्री अभिव्यक्ति का आख्यान जैसा लगता है जो मैं शैली में लिखी थी, और एक जो है हम देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के प्रपंचों से झेलती हुई कहानी महिला, जिस तरह से अकेली कामकाजी महिला होती है उसके बारे में वो लिखती है। तो बोलने वाली औरत जो है एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, मिडिल क्लास फैमिली की एक नारी की कहानी है। बोलने वाली औरत इसका नाम क्यों रखा गया? स्त्रियों का कर्तव्य बताते हुए उन्होंने ये चर्चा किया कि आज जो तथाकथित समाज है, जब स्त्रियों की अपनी और अस्मिता का प्रश्न हमारे समाज ने सिर्फ अंधा नहीं बल्कि गूंगा और बहरा भी हो जाता है, ऐसे समाज में बोलना एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। वो स्त्री जिसकी आवाज को दबाने के लिए परिवार और समाज सब अडिग रहता है, पर वो बोलती है, महज बोलने के लिए नहीं बोल रही, वो अपनी पहचान बनाने के लिए बोल रही है। वो बोल रही है कि पुरुषवादी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में नारी का भी कुछ सपना है, उसके भी कुछ अधिकारों की मांग है, इसलिए वो बोल रही है। जो बहुत दिनों से चली आ रही धैर्य सहनशीलता शांत और चुप स्त्री की जो आदर्श छवि खंडित हो रही है, उसके लिए बोलना है मुझे, उसके लिए आक्रोश व्यक्त है। फिर शायद कोई दिन ऐसा आए जब स्त्रियों को बिना बोले एक संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान हो सके, इसीलिए बोलने वाली औरत बताया गया यहाँ पर। एक मिडिल क्लास फैमिली की एक ऐसी स्त्री है बोलने वाली औरत में, जो परिवार के सारे सदस्य, उसकी सास, बीजी, पत्नी, कपिल, बच्चे और ससुर, इन सभी के साथ बोलती रहती है। ये कहे कि बहस करते रहती है, हमेशा आर्गुमेंट करते रहती है, कहानी के से ही शब्द उधार ले तो खड़ी खड़ी जवाब टिकाती रहती है। उसका ये बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो हमेशा बदतमीज बदजुमान होने की तोहमत लगती रहती है। कई बार ये निश्चय करती है कि जब किसी भी परिस्थिति में वो कुछ भी नहीं बोलेगी, लेकिन हर बार कोई ना कोई ऐसा प्रसंग हो ही जाता है कि बोल ही पड़ती है वो।
कहानी में ऐसी कई घटनाएं हैं, चाहे वह झाड़ू सीधी रखने की घटना हो या चाय पीने की, कहीं घुमाने की, कई घटनाएं तो गौण भी है। इनका महत्व इतना ही है कि घटना की प्रतिक्रिया में वो बोल उठती है जिसका अंत में उसे चुप रहने की हिदायत के साथ होता है। नहीं बोलना चाहिए था सोचती है, लेकिन वह महज बोलने के लिए नहीं बोलती, वो मात्र बोल नहीं रही है, वो प्रतिवाद कर रही है अंधविश्वास का, रूढ़ियों से जकड़ी उस जो है पुरुषवादी समाज का, जिसमें स्त्रियां शोषक हो रही है, उसके लिए वो कह रही है। वह स्त्री है शिखा, पूरा नाम है दीप शिखा, लेकिन वह खुद को अग्नि शिखा कहे जाने ज्यादा पसंद करती है। वो कहती है, माता पिता ने तो मेरा नाम गलत लिखा है, मैं दीप शिखा नहीं हूं, अग्नि शिखा हूं। बोलने वाली औरत है, उसके व्यक्तित्व का जो ये छोटी सी झलक ममता कालिया ने दी, उसके भीतर उबल रहे लावे का पनप रहे आक्रोश की ओर हमारा ध्यान खींचती है, और आक्रोश है समाज के दोगलेपन के कारण उसके विरोध में। यह विडंबना ही तो है, अपने जिन गुणों के कारण शिखा का विवाह के लिए चयन हुआ था वह इस परिवार का हिस्सा बनी। कहानी में है जब शादी के विचार से कपिल ने अपने आसपास देखा तो उसे कॉलेज में अपने 2 साल छोटी बीएससी में पढ़ने वाली शिखा पसंद आई, क्योंकि वो उन स्त्रियों जैसी नहीं थी जिन्हें कपिल अपने परिवार में या अपने आसपास देखता था। शिखा की वक्रता डिबेट से प्रभावित होकर सोचता था कि शिखा को पाकर रहेगा और पा भी लेता है, और शिखा भी कपिल की मौलिक सोच और आत्मनिर्भरता से प्रभावित है, लेकिन ये आदर्श स्थितियां शादी के बाद भी इतनी ही आदर्श नहीं रह जाती। शिखा के इन्हीं गुणों के कारण उसे बार बार अपमानित होना पड़ा। कहानी में क्लाइमेक्स में उस समय अपना ही बेटा उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है, शिखा के होठ सूज जाते हैं, जबड़ा जाम हो जाता है, अब कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाती है। ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी है कि घुसा उसकी सास नहीं मारती, पति नहीं मारता, कौन मारता है? बेटा। अब वो उस परिवार में शक्ति का केंद्र बनने जा रहा है। कैसे ममता कालिया ने इस घुसे के जरिए सत्ता का हस्तांतरण दिखाया है। यहां हम देखते हैं कि परिवार की शक्ति का एक नया ध्रुवीकरण हो जा रहा है। अब शक्ति का जो केंद्र उसका बेटा है, वो वर्तमान पीढ़ी अपनी भावी पीढ़ी की सत्ता का हस्तांतरण कर रही है। वस्तुतः तीनों की पीढ़ियां, बीजी, पति और बेटा, ये एक स्त्री की सोच है, अपनी चेतना और अभिव्यक्ति को रोकने के लिए कृतज्ञ संकल्प है। लेकिन यहाँ पर कहानी स्त्री विमर्श के नाम पर अन्य कहानियों से थोड़ी डिफरेंस है, कहा क्योंकि यहाँ पर नारी विमर्श की कई अन्य कहानियों में स्त्री के अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई गई है और व्यवस्था से संघर्ष करती है, धीरे धीरे व्यवस्था का अंग भी बन जाती है, अपनी स्थितियों का से समझौता कर लेती है और नियति को स्वीकार कर लेती है। तो कहानी के अंत में जब होठ सूज जाने के कारण शिखा बोल नहीं सकती है, वह भाव उसके भीतर कसमसाते रहते हैं, शब्द बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं। शिखा को लगता है कि उसकी मृत्यु के बाद ये शब्द उसके शरीर के हर रंध्र से बाहर निकल भागेंगे और हस्तक्षेप की जीती जागती इबारत बन जाएंगे। वस्तुतः शिखा व्यवस्था का अंग बनकर तथाकथित सुखी जीवन जीने की सुविधा नकार देती है। वो अचंभित है कि अधिकांश विवाहिता स्त्रियां जो है इस बात पर इल्म नहीं करती कि जब वो कैसे वह इंसान से महीन है, कायातरित हो गई है, जहां उसके श्रम की अहमियत है लेकिन सोचने, विचारने या व्यक्त करने की आजादी नहीं। और जो यहाँ पर हॉलीवुड की फिल्म जो एक मैट्रिक्स में भी यह दिखाया गया है कि इंसानों को रोबोट या मशीन में बदल दिया जाता है, जिनकी सोचने समझने की शक्ति पर किसी का नियंत्रण होता है, दूसरे किसी का नियंत्रण। इसी तरह जो है इस बोलने वाली औरत का भी दूसरों पर नियंत्रण होता तो ठीक होता। तो इसी कहानी में एक पक्ष और है कि बड़ी बारीकी से ममता कालिया ये संकेत करती है कि आज की यह आपाधापी भरे, सब कोई अपने अपने बारे में सोचते हैं, व्यस्त जीवन के कारण किस तरह से रिश्तों में खटास आ रही है, कैसे रिश्ते जो है बदल रहे हैं, मशीनी जीवन शैली की तरह हो गया है इंसान की जिंदगी। कपिल कहता है कि शिखा एक सुगढ़ पत्नी की तरह घर में सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ओढ़ ले और उसे स्वतंत्र छोड़ दे, पर शिखा अपने लिए थोड़े समय की मांग करती है, जिस समय वो स्वयं हो, अपने सपने को और उसकी अभिव्यक्तियां। जब परिवार के सब लोग सो जाते हैं तो शिखा हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर एक बार फिर अपने दिन की शुरुआत करने की कोशिश करती है। उसके इस अपने दिन में किताब है, कागज है, कलम है और थोड़ा सा समय चुराती है, लेकिन अपने लिए अपने ढंग से जिए हुए इन पलों के कारण वह अगले दिन की दिनचर्या के लिए
बिछड़ जाती है और लांछनों और तोहमतों के दौर शुरू हो जाते हैं। शिखा को लगता है कि उसे ठोक पीट कर मशीन बनाया जा रहा है। एक बार फिर वह मशीन बनने के लिए इनकार कर देती है। तो ये कहानी एक विशिष्ट कहानी है। इस तरह से अगर देखोगे तो परिवार में खपने और खर्च हो जाने की स्थिति में शिखा जो है अंतर विरोध और असहज स्थितियों से जूझने की जो दृढ़ता है उसके लिए जीवन का अर्थ क्या है। जीवंतता का अर्थ है विरोध, सतत विरोध। इसलिए न बोल सकने की स्थिति में भी वो सोचती है कि मुंह बंद रखना या चुप रहना शर्त नहीं है। तो यहाँ पर जो है बोलने वाली औरत के माध्यम से ममता कालिया जो है इसी तरह स्त्री के जो है शिक्षित और संघर्षरत स्त्रियों की कहानी बयां करती है बोलने वाली औरत। तो आज का जो ये कहानी वाला खंड था ये तो समाप्त हुआ, पर इसमें और कुछ कहानियां रह गई हैं, वो हम देखते हैं खंड पांच में। जो कुछ कहानियां हैं, पार्टीशन, स्विमिंग पूल, बायोडाटा, सिलिया और तलाश। तो इसी तरह एक कहानी है पार्टीशन। जो स्वयं प्रकाश की कहानी है इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कुछ तीन चार कहानियां रह गई हैं। फिर उसके बाद हमारा कल का टाइम टेबल के अनुसार जो है, कल तो नहीं होगी क्लास, कल संडे है, सोमवार को जो क्लास होगी उसमें फिर हम हमारी जो है भारतीय, अन्य भारतीय भाषाओं की कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे, MSD 12 का खंड एक। दीदी कहानी पढ़ाया जाएगा, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषा की कहानियों को हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में विचार करेंगे। ठीक है, रखता हूँ फिर मैं आज। जी सर, ठीक, ओके सर।